मुबारक हो मिस्टर जय, आपके लिए खुशखबरी है, सी इज प्रेग्नेंट। मिस्टर जय, आपको इनका बहुत बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि 2-3 महीने इनके लिए कठिन है। डोंट वरी डॉक्टर, मैं इनका ख्याल रखूंगा। प्रतिमा, आप रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना, ओके? अच्छा डॉक्टर, चलता हूँ। फीस यहाँ के? आप वहाँ जमा करा दीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो, पूरे 15 मिनट लेट हैं आप जी। वो हाँ, मैं समझ गया, ट्रैफिक जैम हो गया होगा, बस नहीं मिली होगी या फिर ऑटो वाले ने आने से इनकार कर दिया होगा। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऑफिस से निकलने में देर हो गई। बैठिए। ये लीजिए मैन्युस्क्रिप्ट। किस बारे में है नॉवेल ये? ये संबंध के बारे में है, रिश्ते, रिलेशनशिप के बारे में है। तुम्हें पता है रिश्ते की डेफिनेशन क्या होती है आकांक्षा? हर इंसान अपने हिसाब से रिश्ते की डेफिनेशन बना लेता है। सही है, मैंने भी यही कहने की कोशिश की है इस नॉवल में। इस नॉवल का सेंटर है लव, प्यार, मोहब्बत। मतलब रोमांटिक नॉवेल है ये? नहीं, रोमांटिक स्टोरी नहीं है। हमारे समाज में बहुत से बेमेल रिश्ते होते हैं, उन्हें जस्टिफाई करने की कोशिश है ये। जैसे? जैसे एक शादीशुदा इंसान को प्यार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या शादी होने से इंसान के जज्बात मर जाते हैं? मुझे तो लगता है बादल जी कि हर इंसान को कभी भी किसी से भी प्यार हो सकता है। और समाज? बहुत बड़ा सवाल है ये। हम लोग खोखले मॉरल से बांधकर अपने एहसासों का गला घोंट देते हैं। मुझे भी लगता है कि साथ साथ 24 घंटे जीते जीते दो इंसान तंग आ जाते हैं, उन्हें बदलाव की जरूरत महसूस होती है। फिर एक इंसान को कोई ऐसा इंसान मिलता है जिससे बात करना, जिसके साथ रहना, जिसके साथ जिंदगी गुजारना उसे अच्छा लगता है, और बढ़ते बढ़ते ये करीबी शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाती है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती क्यों है? शायद पति पत्नी कहीं कम पड़ते हैं। नहीं आकांक्षा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अच्छे रिश्तों के बीच भी प्यार की गुंजाइश होती है। कहीं ना कहीं हर इंसान अधूरा होता है। क्या प्यार वो अधूरापन दूर कर देता है? शायद। एक और सवाल ये है कि संबंध में सेक्स की क्या भूमिका होती है? क्या है? सबकॉन्शियसली हर आदमी औरत की तरफ और हर औरत आदमी की तरफ शारीरिक आकर्षण की वजह से अट्रैक्ट होती, बाद में हम उसे भावनाएं, एहसास, कोई भी नाम दे देते हैं। तुम मेरी बात से सहमत हो? मुझे नॉवेल पढ़ना होगा, अगर जस्टिफाइड है तो मुझे मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ये भी लगता है कि एक समय के बाद पति पत्नी के स्पर्श के बीच में एक बासीपन सा आ जाता है,
सब कुछ रूटीन सा हो जाता है। फिर एक नया स्पर्श ही उन्हें नया सुख देता है। एक बात बताओ, क्या प्यार को उम्र की सीमाओं में बांध के रखना जरूरी है? मेरा मतलब है, एक बड़ी उम्र का आदमी छोटी उम्र की औरत से, या फिर बड़ी उम्र की औरत एक छोटी उम्र के लड़के से प्यार कर सकती है? मैंने कहा था ना बादल जी, प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। संभाल के चलो, आ जाओ। चलो बैठ के आराम करो। मैं जरा चाय बना दूँ। आज के बाद तुम्हारा किचन में जाना बिल्कुल बंद। देखो, मैं तो तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन साथ में तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। लेकिन 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 कुछ नहीं, चलो बैठो। पहले बैठो बैठो बैठो। देखो, आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर या मन पर जोर पड़े। ओके, चुप, अंदर इनसाइड, चलो अंदर लेट जाओ। तो क्या मैं पूरा दिन यहाँ ही बैठी रहूंगी क्या? अरे भाई, घर में नौकर है ना, अगर कम पड़े तो एक और मंगवा लेंगे। जय, क्या मेरा इस तरह से मां बनना ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? जय देखो, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, और फिर ये बच्चा तो नाजायज कहलाएगा ना। प्रतिमा, तुम जब चाहो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूं। ये जय सक्सेना और प्रतिमा का बच्चा है। जय, मैं ऐसी समझौते वाली शादी नहीं करना चाहती हूँ। तुम अपने पापा से कहो ना वो मान जाए, प्लीज। वो नहीं मानेंगे। प्रतिमा, मेहमान आने पर लोग खुश होते हैं, और तुम? वो लोग खुश होते हैं जिनके घर में प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम ये एक नहीं है, अभी तो मेरा आउटडोर भी है। एक बात सच सच बताओ, कहीं तुम्हें इस बात का अफसोस तो नहीं कि इस बच्चे से तुम्हारे करियर पर रुकावट आ सकती है? कैसी बातें कर रहे हो जय? मैं सच कह रहा हूं प्रतिमा, जिनके बच्चे होते हैं उन लोगों को हीरोइन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जय, तुमने अभी तक ये नहीं जाना है कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, कुछ नहीं। तुमने कभी समझाया ही नहीं। जय, लेकिन मुझे मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं हमारा बच्चा नाजायज ना कहलाए। जब तुम्हारे पापा ने कहा था ना मेरी माँ को रखेल, तो मुझे बहुत बुरा लगा। कभी होने नहीं दूंगा, डोंट वरी। मैंने कहा ना कि मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूं। ये जय सक्सेना और प्रतिमा का बच्चा है, और मैं पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। ट्रस्ट मी। बाबा, अब आप वापस तो नहीं जाओगे ना? हमें अच्छा नहीं लगता। बस बेटे, थोड़े ही दिनों की बात है, अब मैं अपनी ट्रांसफर यहीं करवा लूंगा। हाँ, तो जल्दी कुछ करो ना। कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन बिना रिश्वत के कुछ मुमकिन नहीं है। बाबा, मैं दोस्तों के साथ खेलने को जाऊँ? बाय। बाबा, शाम को मिलते हैं। हाँ जरूर। ये क्या आकांक्षा, ये क्या बात हुई? कितने दिन के बाद पिताजी आए हैं,
और तू आज भी काम पे जा रही हो। जाने दो उसे, उसे क्यों रोकती हो? मेरी वजह से उसके काम का नुकसान मत करो, मैं भी हूं ना यहाँ पर। तुम बाप बेटी का राग मेरी समझ में नहीं आता है, जब देखो काम काम काम। ओफो आई। अच्छा बाबा निकलती हूँ। यस। शाम को जरूर मिलेंगे। जरूर। बाय। देखो मैं जानती हूँ आपको काम बहुत है, लेकिन काम के चक्कर में घर को तो भूल जाना नहीं चाहिए। कमाल है, मैं कब भूला हूँ घर को? नहीं, आकांक्षा बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो शादी नहीं करना चाहती तो मैं क्या करूँ? वाह, उसने कहा और आपने मान लिया। बच्चों को अपने मर्जी से जिंदगी जीने देना चाहिए। लोग ताने मारते हैं, उससे भी छोटी छोटी लड़कियों की शादी होकर दो दो बच्चों की माँ बन गई है वो। अरे मेरी बेटी कुछ अलग है। तुम लोगों की बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी उसे विदा करें, बस। जरूर। न्यूज़ का वक्त हो गया अमोल। आज की खास खबर, महाराष्ट्र सरकार के गृह राज्य मंत्री नाना पाटिल पर कोई अपराध साबित न होने के कारण उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन पर रिश्वतखोरी का इल्जाम था। अदालत से बाहर आते हुए नाना पाटिल ने कहा, ईमानदार, शांतिप्रिय और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि उन्हें बहुत सी मुश्किलों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सीबीआई वाले मेरे घर पर आए, मैं खामोश रहा। पुलिस आई, पकड़ कर कोर्ट तक ले गई, मैं तब भी खामोश रहा, क्योंकि ये मैं जानता था कि जीत हमेशा सत्य की होती है और वही हुआ। मैं अपने देशवासियों, अपनी जनता से ये अपील करूंगा कि वो संयम शांति से काम लें, संयम बरतें। जय हिंद। मैंने कहा था ना सुलभा, नाना पाटिल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, याद है तुम्हें? मक्कारी और बेईमानी उसके चेहरे से टपकने लगी है। ये सिर्फ तुम कहती हो, लेकिन सारा प्रदेश तो उसे मसीहा मान रहा है। समझ में नहीं आता इंसान इतना कैसे बदल सकता है। ये वही नाना है, हमारे गरीबी के दिन थे, एक वक्त के खाने के बाद दूसरे वक्त का खाना मिलेगा या नहीं इसका भरोसा नहीं होता था। एक बार हाई कमांड ने नाना को टिकट देने से मना कर दिया, फिर ऑपोजिशन वाले आए थे टिकट मंत्री बनाने का वादा और 25,000 रुपया लेकर। नाना ने बेइज्जत करके भगा दिया था उन्हें। शायद उस वक्त तक शेर के मुंह को खून नहीं लगा था। नाना को शायद मालूम नहीं था कि सत्ता और दौलत का नशा क्या होता है। इस नशे में इंसान का जमीर भी मर जाता है। मिसाल तुम्हारे सामने है। प्रतिमा, मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा ख्याल था कि अब तक आप मेरी आवाज पहचान चुकी होंगी। क्या फोन है? मेरे लिए। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। भाई ये बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरी गिफ्ट आपको अच्छी लगी या नहीं ये आपने बताया नहीं। हाँ वो बहुत अच्छी थी,
मैंने तो कहा था कि अगर गिफ्ट अच्छी लगे तो आप प्लीज मुझे एक फोन कर दीजिए। आपने फोन नहीं किया तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ। दरअसल दिमाग से निकल गया बस। कोई बात नहीं, लेकिन अब जब भी वो गिफ्ट आप देखेंगी थोड़ी देर के लिए सही, आपको मेरी याद तो आएगी नहीं? तैयारी हो गई? किस बात की? ऊटी जाने की। अभी तक टिकट पहुंचा कि नहीं? जी नहीं, अभी नहीं पहुंचा है। पहुंच जाएगा। वैसे क्या जय भी आपके साथ आने वाले हैं? नहीं, उनको टाइम नहीं है, बस हेयरड्रेसर जाएगी साथ में। वैसे भी घोष बाबू की पूरी यूनिट एक फैमिली जैसी है। यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, और मैं भी वहां होऊंगा, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगी। तो फिर कल मुलाकात होती है एयरपोर्ट पे? जी। बाय, टेक केयर। हाय आकांक्षा। हाय। मैं सोच रहा था पता नहीं तुम आओगी या नहीं, मेरा इस तरह तुम्हें बुलाना तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? इसमें बुराई क्या है, आपका बात करने का मन किया आपने बुला लिया, सो सिंपल। मेरा नॉवल पढ़ा तुमने? कुछ बातें बिना पढ़े बिना सुने बिना कहे समझ लेनी चाहिए, मैंने वैसे ही किया। और तुम्हें कोई एतराज नहीं? एतराज? मेरी तो खुशकिस्मती है कि इतने बड़े राइटर मुझसे जुड़ना चाहते हैं। राइटर नहीं, राइटर बादल तुमसे नहीं, इंसान बादल तुमसे जुड़ना चाहता है। राइटर बादल के पास तो शोहरत है, नाम है, दोस्त हैं, फैंस हैं, मगर इंसान बादल के पास सिर्फ अकेलापन है, तन्हाइयों के सिवा और कुछ नहीं है। मुझे वो तन्हाइयां दूर करने की इजाजत है? इजाजत मांगकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरा साथ चाहते हैं। हाँ कांक्षा, हाँ। तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैंने जिंदगी को कैसे कैसे वेस्ट किया है। वो जिंदगी जिंदगी थी ही नहीं, जिंदगी तो तुम हो। आप मुझे अहमियत दे रहे हैं, मैं इसके काबिल नहीं हूं। कांक्षा, तुम अपने आप को बहुत एकांती हो। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। बोलने से पहले सुन लो जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ। तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश करोगी? जय देखो 90% फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा काम बचा है, एक बार में बस थोड़े दिनों के लिए जाऊंगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रतिमा, मैं तुम्हें इस हालत में कैसे जाने दे सकता हूँ? ऐसी बातें मत करो, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गो। तुम नहीं भी कहोगे ना तो भी मुझे जाना पड़ेगा, इट्स माय ड्यूटी। मैं जानता था तुम यही कहोगी। हीरो बनने का चस्का जो तुम्हें लगा है। मैं जानती हूँ जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ वो मुझे कहना पड़ेगा। तुम मुझे मजबूर करोगे कि वो बात मैं कह रहा हूँ। तुमने हमेशा वो किया जो तुम चाहती हो, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मेरा बच्चा तुम्हारे कोख में, अगर बच्चा, उसे... बच्चा, बच्चा। अगर एक बार भी बच्चे का नाम लिया ना तो मैं अबॉर्शन करवाऊंगी, मैं बता रही हूँ।